तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं बहुत ही मस्त एंड बहुत ही बवाल होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कुछ स्टेप से सीवी फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, आप अपने फेस को कुछ स्टेप से गोरा कैसे कर सकते हैं और अपने फोटो में आप कुछ स्टेप से सीवी बैकग्राउंड को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां से इसका ओरिजिनल वाला पिक दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे इसका ओरिजिनल वाला पिक है और मैंने इसी वाले फोटो को यहां पे एडिट किया हूं, तो हमारा फोटो कुछ स्टेप से बना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप भी कुछ स्टेप से अपने फोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो रिवील कराऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के लिए यहाँ से ओरिजिनल वाले पिक पे आएंगे। यहाँ पे आप कौन आए और यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को गाइस आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ से इस फोटो को ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। तो हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइस, आप लोग यहाँ ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इम्पोस्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर डन गाइस आपको टच कर देना होगा। यहाँ पे डन गाइस आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे जस्ट आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ फोटोस वाले ऑप्शन पे आ जाना है गाइस। यहाँ से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा नीचा है, तो गाइस मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने फोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिएगा और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा गाइस। तो आप अपने सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो कुछ स्टेप्स हो जाएगा। तो और गाइस, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को यहां पे क्लिक कर देना होगा। आप यहां पे ध्यान से देखिए, अपने यहां पे क्लिक करना है और अपने फोटो वाले मॉडल को ऊपर की तरफ लाकर और छोड़कर यहां से ड्रॉ कर देना है। तो आपका फोटो कुछ स्टेप्स हो जाएगा। अब गाइस, आप लोग यहां पे और ध्यान दीजिए, यहां पे आप ध्यान से देखिए, आपको यहां ब्रश का ऑप्शन एक मिलेगा, इस पे आपको टच कर देना होगा और आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं पहले से मैं किया हूं, तो आप ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा और यहां सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। गाइस, मैं आप लोगों को यहां पे सेटिंग पे क्लिक कर देता हूं और यहां से आप लोगों को दिखा देता हूं। अमाउंट रेस को 100 रख दीजिएगा और साइज को तो आप अपने हिसाब से रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अभी यहाँ से इसको क्या करता हूँ गाइस, यहाँ से मैं इसको यहाँ से 12.9 रख देता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। तो अब गाइस, आपको करना क्या होगा, आप कुछ स्टेप से केवल अपने बैकग्राउंड पे अपने ब्रश को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने फोटो का बैकग्राउंड कुछ स्टेप से चेंज कर चुके हैं। तो गाइस, आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के बाद यहाँ से गाइस आप अपने हेयर को चेंज कर लीजिएगा। तो किस तरह करते हैं गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जिस तरह बैकग्राउंड को किए थे उसी तरह इसको भी करना है। तो आपको यहाँ पे आना होगा, जो सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे आना है और यहाँ पे इम्पोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना होगा। तो दोनों गाइस, मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, यहाँ पे आपको टच कर देना होगा और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करके और यहाँ फोटोस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक देना होगा। यहाँ मैं डाउनलोड वाले पे आ जाता हूँ और इसे हेयर को ऐड कर देता हूँ। तो मेरा हेयर यहाँ पे आ चुका है, तो हम अपने हेयर को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं गाइस कुछ स्टेप से अपने हेयर को एडजस्ट कर चुका हूँ और यहाँ से मैं कुछ स्टेप से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको घबराना या आराम आराम से करना है, तभी आपका फोटो प्रोफेशनल तरीके से एडिट होगा। तो गाइस, मैं यहाँ से इसको अच्छे तरीके से यहाँ से हेयर को ऐड कर देता हूँ। यहाँ से ऐड कर देना है और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना होगा। यहाँ पे दोनों गाइस आप टच कीजिएगा और जो नीचे का भाग है ना, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हटाएंगे। तो इसको करना क्या होगा, यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यही वाला ब्रश रखना है और इसका अमाउंट रेस आप लोग घटा लीजिएगा। मैं यहाँ से 7 रख देता हूँ और साइज को उतना ही रहने देना है। साइज तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी कुछ स्टेप से यहाँ से इसको कुछ स्टेप से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने हेयर को कुछ स्टेप से मिला चुके हैं गाइस। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप से अपने हेयर को मिला चुके हैं। अब गाइस, अपने हेयर पे कलर्स को देने वाले हैं। तो कलर्स को किस तरह देते हैं गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको टच कर देना होगा। यहाँ पे दोनों गाइस आपको टच कर देना होगा और लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे आना होगा और आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा और यहाँ
यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके इस ब्रश का आप सेटिंग देख लीजिए। आप सेटिंग देखिए, साइज को मैं यहाँ से 35 साइज को आप अपने हिसाब से रखना है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, फॉलो को आप यहाँ से देखिए दोस्तों 85 रख लीजिएगा, और यहाँ से स्ट्रेन को यहाँ से 35 रख लीजिएगा। इस दोनों को आप कुछ स्टेप से रखिएगा, और साइज को तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस दोनों को बस आप यही जो इसमें हमारे में है वैसे भी आप में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से साइज को तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं कुछ स्टेप से कर चुका हूँ, साइज को मैं यहाँ से इसको 25 रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेड कलर को अप्लाई करते हैं। तो हमारा रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं और साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो मैं साइज को भी 35 रख चुका हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ से मैं आपको करना है, यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर कर और यहाँ से अपने हेयर पे कलर्स को अप्लाई कीजिए। जैसे मैं रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं रेड कलर करता हूँ। फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इस वाले कलर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे रख लेते हैं। फिर से क्लिक करके और यहाँ पे इस वाले को रख लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने हेयर पे कुछ स्टेप से कलर्स को अप्लाई कर चुके हैं। अब इस कलर्स को जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको मिक्स करके बताएंगे आपको। तो किस तरह मिक्स करेंगे गाइस, तो सबसे पहले आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा। आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे आ जाना होगा। और आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक कर देना है और फॉलो को मैं यहाँ से 22 रख लेता हूँ। गाइस मैं यहाँ से फॉलो को 22 और स्ट्रेन को 5, और यहाँ से साइज को तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देखिए गाइस, जिस जो जैसा हमारा ये दोनों है वैसे आप रखिएगा, और साइज को तो आप अपने फोटो के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं साइज को भी 15 रख लेता हूँ, 15 नहीं गाइस, इसको छोटा कर 10.4 रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे अपने कुछ स्टेप से अपने हेयर पे अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई कीजिएगा तो ये मिक्स होने लग जाएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने हेयर को कलर्स का कुछ स्टेप से मिला चुके हैं। तो गाइस आप लोगों को इतना काम कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कर लेना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस कितना खराब है, तो इसको हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको किस तरह स्मूथ किया जाता है गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रश वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। आपको यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पर टाइप करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके और ब्रश यही वाला रखना है। और इसका फॉलो आपको क्या कीजिएगा, इसका फॉलो आप लोग मैं यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको बता देता हूँ। तो गाइस मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से 5 रख लेता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से फॉलो और स्क्रीन को सेम रखना है इस दोनों को, और साइज को तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं साइज को अभी यहाँ से गाइस क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से 23.4 रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। तो गाइस सॉरी यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा है, तो हम इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और जो ये हरा वाला चिन्ह आपके बाल के मॉडल पे दिखाई दे रहा है, ये आपने फोटो वाले मॉडल पे यहाँ से आपको टच करना होगा, अब आपका फेस स्मूथ होने लग जाएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ से साइज को बढ़ाकर और अपने फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ कि हमारा फेस भी कुछ स्टेप से स्मूथ हो चुका है। तो हमारा फेस कितना बेस्ट लग रहा है। तो आप लोगों को इतना काम कर लेना है, और इतना करने के बाद गाइस यहाँ से आप क्या कीजिएगा, अपने कपड़े पे कलर्स को अप्लाई कर लीजिएगा। तो इसमें किस तरह करते हैं गाइस, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा, यहाँ पर टैप कर देना होगा, और यहाँ आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर टैप करके और यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करना है, इस लेयर पर क्लिक करके और यहाँ नॉर्मल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा। और यहाँ आपको एक डार्केन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा, और यहाँ से कट और यहाँ से ड्रॉ। अब गाइस आपको यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा, तो आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा और यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा। तो लाइब्रेरी पे आपको टैप करना होगा और यहाँ से आपको नीचे आ जाना होगा। तो आप नीचे की तरफ आइएगा,
और आप लोग ए वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखे हुए मिलेगा तो आप ए वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके इस ब्रश का आप सेटिंग देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब सिटी कॉन्डेट और साइज को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं साइज को 10.10 रख लेता हूँ और यहाँ से कर, साइज जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा और मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब हम कुछ स्टेप्स अपने शॉर्ट पे कलर्स को अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने शॉर्ट का कलर कुछ स्टेप से चेंज कर चुके हैं। तो गाइस आप अपने शॉर्ट का कलर चेंज करने के बाद गाइस आपको यहाँ से अपने लिप्स को रेड करने को, तो इसको किस तरह करते हैं गाइस चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना होगा और लाइब्रेरी पर क्लिक करके, और देखिए गाइस इसी के बगल में आपको यहाँ पर एक ब्रश मिल जाएगा, तो इस ब्रश पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ से आप सिटी कॉन्डेट और साइज को मैं यहाँ से गाइस 28.1 रखता हूँ, साइज को आप अपने हिसाब से रखिएगा, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन पे आना होगा, यहाँ पे आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ से मैं रेड कलर को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ से हम अपने लिप्स को कुछ स्टेप से रेड कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लिप्स भी कितना बेस्ट रेड हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक इफेक्ट डालूंगा यहाँ पे, तो इस पर किस तरह डालते हैं गाइस चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट अभी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्पोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा गाइस और यहाँ पे आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा। यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ फोटोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं उस इफेक्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है गाइस, मैं यहाँ इस पर टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है, तो हम इसको कुछ स्टेप से यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा। और गाइस यहाँ पे आपको टैप करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे टैप करके और अपने लेयर पे क्लिक करके और यहाँ नॉर्मल ऑप्शन जो मिलेगा इस पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा तो इसका पीछे का ब्लैक जो है वो हट जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ से इसका साइज इधर उधर करता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे टाइप कीजिएगा तो इसका साइज छोटा बड़ा होने लग जाएगा। तो हम इसको कुछ स्टेप से एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा। अब गाइस आपको इतना काम कर लेना है और यहाँ बॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना होगा और यहाँ शेयर वाले ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे आपको टैप करके और यहाँ आपको एक सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फोटो फोन के गैलरी में चला जाएगा। इस तो अब हम इस फोटो को सीधे ओपन कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके, तो आप जैसे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस खुल जाएगा। तो गाइस जो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको टैप कर देना होगा, यहाँ पे आप जस्ट टाइप कीजिएगा तो आप जिस फोटो को इस एप्लीकेशन में शेयर किए होंगे ये आपका फोटो यहाँ पे शो कराएगा। तो आप अपने फोटो पे एक बार टच कीजिएगा गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार यहाँ पे टैप कर देना है, आपका फोटो यहाँ पे सर्चिंग में लग जाएगा और यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक मिक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट आप मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक के और इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा, टू नंबर पे आपको टैप करके और सैचुरेशन को आप कुछ स्टेप से माइनस कीजिएगा 71 माइनस और लुमिनेंस को आप कुछ स्टेप से बढ़ाइएगा। तो मैं अभी सैचुरेशन को 100 माइनस कर देता हूँ और इसको 74 हम प्लस रख लेते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको इस वाले टून पे आना होगा, इस वाले टून पे आपको आना होगा और सैचुरेशन को 100 आप लोग सैचुरेशन को 100 प्लस रख लीजिएगा और यहाँ से इसको कुछ स्टेप से इसको 41 प्लस रख लीजिएगा तो आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। फिर से आपको इस वाले टून पे आना होगा और सैचुरेशन को आप 100 प्लस रख लीजिएगा और यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा इधर उधर करके आप देख सकते हैं, तो ह्यू को हम इसे 19 प्लस रख लेते हैं। तो आपको इतना काम कर लेना है और इतना करने के बाद आपको यहाँ डन का ऑप्शन एक मिल जाएगा, इधर डन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। अब गाइस इसी के बगल में आपको यहाँ पे एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ से नीचे आना होगा और बिग नेट वाले ऑप्शन को आप यहाँ से माइनस कीजिएगा तो आपको इधर कीजिएगा, इसको प्लस रखिएगा तो सफेद आ जाएगा और इधर कीजिएगा आप लोग माइनस में, तो हम इसको यहाँ से 56 नहीं थोड़ा सा हम इसको 26 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सही 26 माइनस कर देना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो कितना ही बेस्ट एडिट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ वो लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।